नशे की ये वही खेप है जिसे अमृतसर के बाबा बकाला कस्बे से बरामद किया गया है। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम को ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क की खबर मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। तस्करों के ठिकाने से 105 किलो हेरोइन, करीब 32 किलो कैफीन, 17 किलो डीएमआर, 5 विदेशी पिस्तौल और एक देसी पिस्तौल बरामद की है। दो तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक नशे की खेप को पाकिस्तान से भारत में लाया गया, तस्करी के लिए नदी का इस्तेमाल किया गया। बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद पंजाब में नशे का कारोबार किस तरह फैल रहा है, इसे एक रिपोर्ट से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक 3 साल के दौरान पंजाब में एनडीपीए के तहत 29,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। 3 साल में करीब 40,000 गिरफ्तारियां हुई। इसके साथ ही करीब 3,000 किलो हेरोइन की खेप बरामद की गई। 3 दिन पहले ही मोगा में थाने के एसएचओ समेत 2 पुलिस वालों पर तस्करों से सांठगांठ के आरोप में केस दर्ज किया गया।